जनरल ने बहुत परेशान करके रखा है, तो आज हमारी बारी है उसको परेशान करने की। हमने पूरी प्लानिंग बना के रखी है, मैंने और लेसर ने, बट भाई उसको कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है, फायदा मैं बताता हूं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आज सुबह ही खबर आई है उसको किसी ने किडनैप कर लिया। बताओ, पंगा उसने हमसे लिया, किडनैप उसको किसी और ने कर लिया, तो फिलहाल तो हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। नहीं तो मैंने और लेस्टर ने पूरी रात बैठ करके उसकी कमर तोड़ने का प्लान बना के रखा था, मतलब उसको उसी के चक्कर में फंसाना हम लोग सोच रहे थे, बट बहुत ही ज्यादा बुरा हम लोगों के साथ में हो गया। कोई टेंशन की बात नहीं है, फिलहाल अभी देखते हैं कि आखिर उसको किडनैप किया किसने, इस मौके का हम फायदा उठाएंगे। तो लेस्टर अभी नई प्लानिंग बना रहा है कि आखिर जनरल को कौन किडनैप कर सकता है। वैसे भाई आपको पता, कोई भी कर सकता है। कल वाले एपिसोड में आपको बताया, हमने देखा था हमारा जनरल काफी शरीफ बंदा निकला, उसने मतलब बाला वालों को धमकी दी, लोस्ट वालों को धमकी दी, बाकी और गैंग्स को भी बोला कि चुपचाप दो नंबर का काम बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा मारने वाला हूं। फिलहाल तब मुझे पता चला वो बंदा काफी शरीफ है। हम लोग उसे कमर क्यों तोड़ने वाले थे, मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि भाई उसने हम दोनों को बहुत बुरी तरीके से फंसा के रखा हुआ है, तो किसी ना किसी तरीके से हमें इन केसेस से बाहर निकलना है, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की फिर से सोची और उसको कुछ ना कुछ तो हम करते, बट फिलहाल करने से पहले ही बंदा हो चुका है किडनैप। कोई बात नहीं, जिसने भी ये सारा का सारा काम किया है हम जरूर पता लगा लेंगे। फिलहाल हम जाते हैं भाई क्राइम सीन पर जहां पे उसको किडनैप किया गया है। वो फिलहाल अपने कुछ बंदों के साथ जा रहा था कार्स में, कार्स के ऊपर बीच रास्ते में अटैक हुआ और फिर वहीं से उसको उठा के ले गए, तो मैं वहीं पर जाकर के चेक करता हूँ। लेस्टर मेरे प्यारे चूसे और रसगुल्ले यहीं पे रहे और मेरे को इन्फॉर्मेशन देते रहे, ठीक है ना, मैं जरा अभी आता हूँ। तो ठीक है भाई निकलते हैं। आपको बताया मेरे डॉगी जो है वो दोनों को दोनों सेफ है, उनको मैंने माइकल को दे के रखा हुआ है, निकी वो भी सेफ है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब देखा जाए मेरी टीम सेफ है, ऊपर से मेरी आर्मी भी सारे काम करने में लगी हुई है, बस प्लानिंग थोड़ी खराब हो गई है जनरल की वजह से। कोई बात नहीं, उसका भी पता चल ही जाएगा। ट्रेवर बेटे बाहर निकल। तो भाई अभी तक आपने वीडियो की लाइक नहीं करा कर लीजिए, मैंने आपको लाइक से बता दिया है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उस कॉल पे साइड कर दो। अगर आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, चेकआउट कर लीजिए, मैं उस पर जीटी की वीडियो डालता हूँ, उस पर कभी कभी रेसिंग की वीडियोज भी आती रहती है जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे ड्राइवर बाहर निकल, चल 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 जल्दी से। तो जैगवार आपको बताइए मेरे डॉगियों की फेवरेट कार है, सच में भाई ये मेरे को भी काफी अच्छी लगती है। जैगवार तो जैगवार ही है यार, इसका अलग ही लेवल है, जैसे फरारी का अलग लेवल है, जैगवार का भी अलग ही लेवल है। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, वॉच को यूज कर ले ट्रेवर, भाई फटाफट से यूज कर जल्दी से। ठीक है भाई हमारी वॉच यूज हो चुकी है, चलिए चलिए चलिए, गाड़ी पीछे ही रहनी ठीक रहेगी क्योंकि सबको पता है ट्रेवर की कार है, किसी पुलिस वाले की नजरों में आ गए तो काफी काम खराब हो जाएगा। तो फिलहाल जनरल लॉस सैंटोस का यहाँ पे क्या करने के लिए आया था अभी पता करते हैं। हेलो हेलो हेलो, काफी बंदे यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस वाले बंदे खड़े, सीधी सी बात है यहाँ पे भी चेक करेंगे, कुछ ना कुछ क्लू ढूंढने में लग रहे होंगे कि भाई कुछ ना कुछ हमें क्लू यहाँ पर मिल जाए जिससे हमें जनरल के बारे में पता लग जाए, बट ऐसे कैसे पता नहीं लग पाएगा क्योंकि मुझे लगता है कोई काफी, ओहो भाई यहाँ पे तो मर्डर भी हो गए, मेरे हिसाब से काफी खतरनाक गैंग होगी भाई जिसने सारा काम किया है। वैसे मुझे ना 99% शक पता है किस पे है, लॉस्ट गैंग पर। लॉस्ट गैंग वाले वो किसी से नहीं डरते, वो सच में मुझसे नहीं डरते यार, वो ट्रेवर से नहीं डरते, ट्रेवर की इतनी पावर्स है वो हमसे आज तक नहीं डरे, बड़ा अजीब सा लगता है। तो मुझे लगता है ये सारा काम उन्होंने किया। हस्की बेटा, तो ये जो हस्की, अरे रे रे हट यार, तेरे क्या करके रखा है तूने, अबे इसको तमीज नहीं सिखाई कि तुम लोगों ने, पुलिस वालों मानता हूँ तुम्हारा ही डॉगी है तो मतलब ये थोड़ी है कहीं पे भी गंदा काम कर देगा, इसको ट्रेनिंग दो यार सच्ची में। कौन गोली चला रहा है बदतमीज, किसको मरने के शौक लगे। तो फिलहाल चलिए भाई मैंने क्राइम सीन देख लिया है, यहाँ पे कुछ अगर काम का मिले चलो मैं भी देख लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस वाले से पहले मैं क्यों ना जनरल को ढूंढ लूँ, इससे फायदा हो जाएगा। अभी तो ऐसा लगेगा सभी को कि भाई किसी और ने किडनैप किया है, बट कभी ये तो ना सोच ले कि ट्रेवर ने किडनैप करा जनरल को, क्योंकि आपको पता है ये मेरे पीछे लगे हुए हैं, हो सकता है, अरे 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 ये भी हो सकता है भाई। फिलहाल चलिए मैं पूरी जगह चेक करता हूँ, फिलहाल अभी मैं देखता हूँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ओके दो डेड बॉडी है भाई, एक बंदा पीछे मरा हुआ है, नहीं तीन है भाई, एक बंदा यहाँ पे मरा हुआ है, मैंने देखा ही नहीं ध्यान से। मैं जगह को ही चेक कर रहा था, मेरे पास मैसेज आता है लेस्टर का, मैंने मैसेज पढ़ा, मेरे को बोलता है अबे तेरी जो किडनैपिंग हुई है जनरल की, तेरे ऊपर शक कर रही है मिलिट्री के, तूने किडनैप कर लिया जनरल को। मैं तो आपको बोल ही रहा था, मैंने पहले ही बोला, और सच्ची में यही हो गया, ये मिलिट्री वाले बंदे लॉस सैंटोस के थोड़ी भी अकल नहीं है इनमें, मैं क्यों किडनैप करूंगा इस नमूने को। फिलहाल ट्रेवर छोटे मोटे काम नहीं करता, ट्रेवर बहुत बड़े काम करता है। मेरे घर पर पहुंच गए भाई, लेस्टर बोल रहा है तेरे घर पर पहुंच गए, वहां पे तलाशी ले रहे जा करके, तूने वहां पे जनरल को रखा ही नहीं रखा। अब सही है यार, तो चलिए वो जाकर के चेक करता हूँ मेरे घर पे, देखते कितने मिलिट्री वाले बंदे घुस गए चेकिंग करने के लिए। फिलहाल तो ये गाड़ी का बैलेंस बड़ा अजीब होकर के रखा है, घुमा रहा हूँ घूम नहीं रही है, क्या हो गया बेटी क्या हो गया, सस्ते नशे कर लिए तूने भी, ये कमाल हो रहा है आजकल, मैं जिस गाड़ी को भी चला रहा हूँ उसका बैलेंस अच्छा नहीं हो रहा, कुछ दिन से काफी खराब हो रहा है सभी कार्स का बैलेंस। इसका गाड़ी का बैलेंस देखो, मैं घुमाता हूँ ना तेज स्पीड तो बिल्कुल नहीं घूम रही अभी, फिलहाल ठीक है, अभी घूमनी बंद हो गई है बिल्कुल, देखो अभी घूम ही नहीं रही है, मतलब ज्यादा घूमती नहीं है,
वो अगर घूमेगी नहीं तो फिर घुमाऊंगा कैसे मैं इसको रास्तों पे, इसका बैलेंस कैसे खराब होगा। चलो चेक करवाने के बाद में बैनी से हो जाता है भाई, कभी कभी कार्स सर्विस मांगती है, हो सकता है मैं चेक करवा लूंगा बाद में, फिलहाल बट अभी चेक करवाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी सीधा जगह पर निकलते हैं अपने घर पर। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ तो सामने मेरा स्कूल है, मेरे को याद आ गया। बहुत से भाई मेरे को कमेंट में पूछ भी रहे थे कि भाई स्कूल वगैरह नहीं पूछाते का ट्रेवल को दोबारा से, तो चलो यार फिर से इसी क्लासेस दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि अभी हमारी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो विजय नमूना था यार, वैसे विजय के बिना स्कूल में मन नहीं लगेगा इसलिए मैं स्कूल जाता नहीं हूँ। फिलहाल चलिए देखते हैं विजय की जगह किसी ने लिया आकर के, वो तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल विजय आपको पता है वो तो जेल में बंद है और वो कभी वहाँ से छूटने वाला नहीं है, वो टेरी दोनों जेल में है। फिलहाल पॉइंट ये है स्कूल चलिए सोचूंगा मैं फिर से दोबारा से आना। स्कूल में सब मज़ा बहुत आता था, मानता हूँ 5 या 10 मिनट हम रुकते थे स्कूल में, बट वो 5 या 10 मिनट भी बहुत अच्छी होती थी। विजय बनाता था वैसे उनको अच्छी, और आप देख रहे हो यहाँ पे कितने मिलिट्री वाले बंदे घुस गए भाई, सच्ची में तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ। फिलहाल मेरे गार्ड्स यहाँ पर है ही नहीं यार, पता नहीं कहाँ पे चले गए मिलिट्री वाले ने, लगता है सभी को पकड़ तो नहीं लिया। आपको पता है कल मिलिट्री वाले रेड मारी थी मेरे घर पर, तब से मेरे घर के सारे गार्ड्स गायब है। तो चलो कोई बात नहीं, उनको तो बाद में हम देख लेंगे। और मेरा घर, वो भाई मेरा सही आइडिया था बिल्कुल, मेरा जो घर है डोगी का नया वाला वो माइकल ले गया था अपने साथ में, क्योंकि डोगियों ने जिद करी कि माइकल अंकल इसको भी लेकर के चलो, पिछले वाला चला दिया था बंदों ने, तो माइकल उसको भी लेकर गया था भाई अपने साथ में। ये डोगी बड़े चालाक है दोनों के दोनों, उन्होंने ही बोला था स्पेशल तभी माइकल गया था। तो फिलहाल चलिए भाई मैंने काफ़ी बंदे देख लिए, ये तो बहुत सारे बंदे यहाँ पर आगे रखे हैं। अबे नमूना कोई चीज नहीं मिलने का यहाँ पे, अब क्या मेरे बावर्ची को पकड़ के लेकर के जाओगे? अबे भाई उसको मत ले जाना यार, नहीं तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा, फिर ड्राइवर को बाहर से खाना खाना पड़ेगा, वो बहुत काम का बंदा है आपको पता है भाई, शेफ गाड़ी जल्दी से नहीं मिलते, मतलब कुक आपको बहुत मुश्किल मिलते हैं लॉस सैंटोस में। अभी मैं बस यहाँ से निकला ही हूँ भाई, मेरे पास फोन आता है मिलिट्री वाले बंदों का ही, वो भी मिलिट्री बेस से। अजीब बात है, बोल रहे ड्राइवर सर हम आपसे मिलना चाहते हैं प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात है और बहुत बड़ी इमरजेंसी है, प्लीज़ आपको आना पड़ेगा। देखो आपने हर बार इमरजेंसी में हमारा साथ दिया, आपकी बार भी दो, मुझे लगता है बहुत बड़ा प्लान है भाई ये किडनैप हुआ भी है नहीं हुआ, कभी अपनी किडनैपिंग का झूठा बहाना बना करके मेरे को पकड़वाना चाहता हूँ बुला करके, मेरे को गड़बड़ लग रही है क्योंकि मिलिट्री वालों ने मेरे को मिलिट्री बेस में बुलाया मिलने के लिए। वैसे चलो जाकर के ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ पंगा हुआ तो आपको पता है वॉच है मेरे पास, वॉच मैं यूज़ करके भाग के आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जा करके चेक तो करने चाहिए क्योंकि बंदों के बोलने के हिसाब से मेरे को सच में ऐसा लगा प्रॉब्लम में है। जाते हैं भाई, मैं पहुंच चुका हूँ हमारी प्यारी जगह पर, बस 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 ओके भाई, तो अंदर की तरफ निकलते हैं। हेलो मिलिट्री वाले भाइयों, गोली मत चलाना प्लीज, आप लोगों ने बुलाया मेरे को, अगर चीटिंग करने की कोशिश करी ना मैं बहुत बुरा मारने वाला हूँ। वैसे मारूंगा मैं किसी को भी नहीं, बस मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मैं गायब होके जाऊंगा। तो फिलहाल मेरे प्यारे भाइयों क्या हाल चाल है, ओके यहाँ पर बंदे खड़े हुए हैं और बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं। ओके ऑफिसर्स बोलिए मैं आ चुका हूँ, क्या प्रॉब्लम होकर के रखे आप लोगों को, मैं आपकी सारी की सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ, बोलिए। ड्राइवर सर हम लोग एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे शहर के नए जनरल को किसी ने किडनैप कर लिया, प्लीज आप प्लीज उनको ढूंढ करके निकाल दीजिए क्योंकि हम नहीं चाहते। अभी हमारे पास फोन आया है बहुत सारे अजीब बंदों का, उन्होंने फोन करके बोला है कि उनके पास जनरल है, इसलिए हमें कंफर्म हो चुका है आपके पास जनरल नहीं है, नहीं तो हमने तो सोचा था कि आपने उन्हें किडनैप करा है। पॉइंट अब ये है ड्राइवर सर, उन्होंने बड़ी अलग डिमांड करी है, उन्होंने बोला है कि उनको मिलिट्री के सारे वेपन्स चाहिए, जैसे कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स, हमारे बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब, जितने भी हमारे पास वेपन्स है उनको सब चाहिए, और ऊपर से हमारे सीक्रेट कोड्स भी चाहिए जिसको वो यूज कर सके फ्यूचर में, मतलब कि उनको हमारा सारा सीक्रेट डेटा चाहिए। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते ड्राइवर सर, हम अपना डेटा लीक नहीं कर सकते, नहीं तो मिलिट्री किसी काम की नहीं रहेगी, कल ही अटैक हो जाएगा, प्लीज हेल्प कीजिए कुछ तो कीजिए। बहुत बढ़िया, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो वही वाली कहावत मेरे को याद आ गई। तो अब ये फंस गए, तो इसका मतलब किसी और ने किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद धमकी भी दे दी कि अगर मेरी मांगे पूरी नहीं करी तो जनरल का काट के पीस में भेज दूंगा तुम लोगों को घर पे। तो भाई इनसे मांगे है कोड्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, सारे वेपन्स की डिमांड कर लिए, और ये देने से डर रहे, बोल रहे कि दे दिया तो मिलिट्री खत्म। फिलहाल तभी ड्राइवर याद आता है, भाई साहब जब तुम्हारा दम निकलने वाला होता है तभी ड्राइवर क्यों याद आता है, और वैसे ड्राइवर को पीटते रहते हो, मन तो ऐसा कर रहा है तुम लोगों को यहीं पे मरने दो और तुम्हारी हेल्प ना करूं। वैसे यार ये काफी अच्छा मौका है, इनसे चलो डील कर लेता हूं। अच्छा चलो ठीक है यार, मैं तुम्हारे जनरल को बचा भी लूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है? ड्राइवर सर आप टेंशन मत लीजिए, आपके ऊपर जो भी क्राइम्स या आपके ऊपर जो भी केसेस चल रहे हैं वो सब आपके माफ कर दिए जाएंगे, आप बिल्कुल एक फ्री मैन की तरह घूमोगे, और ऊपर से आपको और भी फायदे की चीज मिलने वाली है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम नए जनरल से डिमांड करेंगे कि वो आपको सारी चीजें दे और आपके ऊपर से केसेस हटा दे, बस प्लीज आप उनको ढूंढने में हेल्प करो। चलो यार देखा जाए तो मेरा तो काम फ्री बन गया, मैं तो यही चाहता था और इन्होंने वही कर दिया, थैंक यू चाचा,
अभी ढूंढता हूँ तुम्हारा जनरल कहाँ पे चला गया। चलो मेरे प्यारे लेसर काम पर लग जा, जल्दी से बताए जनरल की लास्ट लोकेशन क्या है, अभी हम ढूंढ के निकालते हैं। मिलिट्री वालों ने हमसे बोला है काम करवाने के लिए, बोल रहे तेरे से और मेरे से ऊपर से दोनों से केस हट जाएंगे, हम दोनों फ्री मैन हो जाएंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेसर का मैंने बता दिया सारी सारी खुशखबरी, लेसर तो भाई चट्टी में से निकल पड़ा, मतलब कि इतना खुश हुआ कमाल ही हो गया। तो फिलहाल पॉइंट ये, क्योंकि उसके ऊपर से केस हट जाएंगे, मेरे ऊपर से केस हट जाएंगे, तो हम दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, बस उसको ढूंढना है, हमें यही काम करना है। तो फिलहाल वो काम पर लग चुका है और उसने मेरे को जगह भी बताई है, जा करके चेक करते हैं, उसकी लास्ट लोकेशन वहीं पर है। तो देखते हैं कि आखिर भाई इस वाली बात में कितना दम है, मतलब कि सही में वहाँ पे बंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो अभी पता चल जाएगा। ड्राइवर भैया जी आगे की तरफ निकलिए, मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे लास्ट लोकेशन मिली है हमें जनरल की, जब तक उसका फोन एक्टिवेट था। फिलहाल तो एक दो जगह और है, वो भी जा करके चेक करेंगे, बट ये लास्ट है, तो फिलहाल चलते हैं। ओके, काफी बंदे हैं भाई, जनरल को बेच तो नहीं डाला यार, जनरल है क्या है, मतलब उसको बेच दिया बंदों ने, अजीब से लग रहा है मुझे। अबे यहाँ पे जनरल की डील चल रही है, किसी और चीज की डील चल रही है, देखो मेरे को बता दो चुपचाप। काफी बंदे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, ओहो लॉस्ट वाले बंदे भी है यार, रे 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 इस टकले को मैं क्या नाम दूं, टकले भाई आप लोग नहीं सुधरोगे क्या, मतलब सुधरने के पैसे लोगे तो ले लो यार, हम पैसे भी दे देंगे आप लोगों को, बट ये तब भी नहीं सुधरेंगे, नुकसान मतलब घाटे का सौदा है, कोई फायदा नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक चाचा जी खड़े हुए हैं, हाथ में कॉफी है, ओहो सामने पैसा है, और यहाँ पे भाई सोने की ईंटे ब्रिक कमाल, और यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा सोना। चाचा करते क्या हो भाई, क्या सोने का पेड़ लगा के रखा है अपने घर में? अच्छा मेरे को बताओ ना यार, शहर के जनरल मिस हो चुके हैं, जरा सारी इन्फॉर्मेशन दो मुझे। अरे ट्रेवल भाई कैसे हो, जनरल मिस हो चुके? अरे बहुत दुख हुआ, मेरे को तो पता ही नहीं था, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे मैंने किडनैप कराया? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक नंबर का काम करता हूँ, आप चाहे तो सही से पता कर लीजिए, मैं तो यहाँ पे सोना बेचता हूँ और पैसा लेके चला जाता हूँ, बस सोना बेचने आया हूँ, क्लाइंट का इंतजार कर रहा हूँ, आप चाहे तो वेट कर लीजिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। ड्राइवर भाई मुझे बहुत डर लगता है मरने से, मैं जीना चाहता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कभी मरूं ही ना। अलग ही लेवल का नमूना देखने को मिला है। ठीक है भाई ठीक है, देख अगर तेरी बात झूठ निकली ना मैं बहुत मारूंगा फिर। तो फिलहाल इसने तो नहीं किया भाई, ये तो यहाँ पे नॉर्मल एक नंबर है, सोना बेचता है और पैसा लेकर के चला जाता है, ऐसे इसने बोला है, मैं नॉर्मल काम करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे कुछ बंदे आने वाले जिनसे डील होगी। तो फिलहाल मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ है, और मैंने चारों तरफ का एरिया देख लिया है, वैसे लॉस्ट वाले नमूने तो यहाँ पर है, तो शायद से लॉस्ट वालों को सिक्योरिटी से लेकर के रखी हो। देखो भाई लॉस्ट वाले भी कोई इतनी बड़े अंबानी तो है नहीं, वो भी किसी ना किसी लिए काम करते हैं, जैसे अपने बाला वाले किसी के लिए काम कर लेते हैं, तो ऐसे ये भी काम कर लेते हैं, करना पड़ता है, मजबूरी है भाई, पैसे के लिए करना ही पड़ेगा बंदों को। तो फिलहाल चलिए ये जगह मैंने देख लिया। दूसरी जगह जो है ना, हमारे शहर की ब्लैक मार्केट है, वहाँ पे उसकी सेकंड लास्ट लोकेशन है, ये लास्ट थी सेकंड लास्ट, तो वहाँ पे जाकर के ट्राई कर लेते हैं, क्या पता वहाँ पे हमें कुछ क्लू मिल जाए, अगर नहीं मिला ना तो फिर आखिरी हथियार आपको बताया मेरे पास क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल चलिए। भाई मैं शहर की ब्लैक मार्केट में पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे सारा आपको दो नंबर का सामान मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए भाई तो आ सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए $100 का कोई सामान मार्केट प्राइस है, यहाँ पे आपको मुश्किल से $10-12 में मिल जाएगा, इसको दूसरे शब्दों में आप बोला जाए ये चोर बाजार भी है, ब्लैक मार्केट भी है चोर बाजार भी, यहाँ पे सारा आइटम आपको मिलने वाला है जो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे भीड़ काफी रहती है। ये जगह मैंने आपको ऑलरेडी दिखा के रखी है, तो फिलहाल वैसे जगह काफी अच्छी है, अगर आपको कोई कार के पार्ट्स चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए आपको, यहाँ पे सारी चीजें लगभग मिली जाएगी, कंप्यूटर के चीजें, बाकी और अलग अलग चीजें। देखो सस्ते नशे वाली चीजें मत लेकर के जाइएगा, बिल्कुल एकदम मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं होती सेहत के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये है सारा का सारा सस्ता सामान सस्ते नशे के लिए, ये बहुत गलत चीज है, इसको नहीं लेनी चाहिए। बाकी और चीज आप ले सकते हो, स्टैचूज वगैरह हो गए जो पुराने जमाने के, वो काफी अच्छी चीज होती है, मिनी गन ये बिल्कुल मत लीजिएगा भाई, नहीं तो पता चले मोहल्ले के बंदों को उड़ा के रख दिया आप लोगों ने। तो फिलहाल बाकी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो कि फिलहाल मेरे काम की नहीं है, तो मैंने पूरी जगह देख ली है, यहाँ पर भी मेरे को जनरल नमूना नहीं दिख रहा, और वैसे भी जनरल सबके सामने को तो नहीं रखा होगा। अरे चाचा जरा मेरी बात सुन, ये तो जो फेक पासवर्ड बनाता है ना, मैं अभी मिलिट्री को बता दूंगा, चुपचाप मेरे को बता शहर का जनरल कहाँ पर है, उसकी लोकेशन यहीं पे है, कहाँ पर है वो? मना कर दिया, बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता ड्राइवर सर, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे आते रहते हैं, अब क्या बताओ, भेष बदल के आए हो, पहचान बदल के आए हो, मास्क लगा के आए हो, तो मैं पक्का नहीं बोल सकता, अब मैं अगर ऐसे देखता आमने सामने तो मैं पहचान लेता, शायद से वो मास्क लगा के आए होंगे, मैंने नहीं देखा, यहाँ पे रोज हजारों बंदे आते हैं, मैं किस किस को याद रखूँ। बात इसकी भी ठीक है यार, मैं इसे कुछ बोल नहीं सकता, सीधी सी बात है, यहाँ पे कैमराज भी नहीं लगा के रखे, चोरी का सामान है यहाँ पे, क्या कैमराज होने वाले हैं? बंदे को मैंने बोला भाई कैमराज लगा ले, इन फ्यूचर कम से कम तू अपने आप को बेगुना साबित कर पाएगा, तो बोल रहा है ठीक है ट्रेवल भाई आगे से मैं कैमराज लगवा लूंगा। निकलते हैं भाई यहाँ से, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने भी क्या सोचा था, लास्ट हथियार है हमारा डॉगी एंड रॉकी, घर पर चलते हैं माइकल के, वहीं से उनको पिक करता हूँ और चलो चेक करवाता हूँ कि भाई कहाँ पे वो मेरे को लेकर के जा सकते हैं। भाई पहुंच चुका हूँ माइकल घर पर, हेलो भाई खुल जा सिम सिम, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल चलिए भाई यहाँ पे गार्ड्स खड़े और अंदर ले आने की मतलब जगह ही नहीं है, गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती,
हेलो मेरे प्यारे डॉगी रॉकी बेटी, एक ड्राइवर आ चुका है। कहाँ पर है माइकल भाई? मेरे प्यारे डॉगी कहाँ पर है? तेरा रोबोट यहीं पे खड़ा है। अबे तू बड़ा बेशरम इंसान है, तूने मेरे डॉगी को भी रोबोट बना दिया। अबे नमूनो यहाँ पे क्या कर रही है दोनों के दोनों बैठ करके? और ड्राइवर भाई कैसी हो? गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? हम दोनों धूप लेने में लगे। माइकल भाई ने बोला था कि धूप ले लो, अच्छा रहता है सेहत के लिए, इसलिए हम धूप ले रहे हैं। रोकी बेटे तेरे को बेवकूफ बना रहा है, घर की सिक्योरिटी कर रहा है। और मेरे प्यारे डॉगी रसगुल्ले, तू कैसा है? ठीक तो है ना? क्या यार ड्राइवर, तू भी ये माइकल तेरा दोस्त बड़ा कंजूस है, खाने को अच्छा खाना नहीं देता यार। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है घर पे जाकर खाना खा के आ जाऊँ, उल्टा सीधा खाना देता रहता है। सच बता रहा हूँ, बासी खाना खिला दे सर, तब से मूड खराब होकर रखा है। मैं माइकल नमूने, मेरे डॉगी को तो पता नहीं है फ्रेश खाना पसंद है, अच्छा खाना खाता है। मेरे घर पे जा करके देख तो इस पिटबुल को खिलाता होगा सड़ा हुआ खाना। मेरे डॉगी ऐसा खाना नहीं खाते, हद मचाता है माइकल भी। अच्छा चलो दोनों के दोनों, मेरे को गाड़ी में लेकर के चलना है। अरे बहुत बहुत बढ़िया ड्राइवर भाई, अब पाएगा असली मजा। चलो डोगी गाड़ी में घूमेंगे। बड़ा एक्साइट हो गया बे। चल ठीक है, आ जाओ जाओ फटाफट से, तुमसे काम लेना है मेरे को। आ जाओ जल्दी, लेट मत करो बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत पीटने वाला हूँ। आ जाओ जल्दी आ जाओ। रोगी और डोगी को मैंने गाड़ी में बैठा लिया, तो मेरे प्यारे दोनों नमूने गाड़ी में आकर के बैठ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। रोगी और डोगी कैसे हो बेटो? देखो तुम लोगों में बहुत जरूरी काम से लेने के लिए आया हूँ, अभी जरा मेरी बात सुनो। तुम्हें ना एक काम करना पड़ेगा, हमारे शहर के जो जनरल है ना वो हो चुके किडनैप, तो मेरे प्यारे रोकी और डोगी अब तुम दोनों को उनको स्मेल करना पड़ेगा। मैं अभी तुम लोग उनका अपार्टमेंट में लेकर के जा रहा हूँ, वहां पे जाकर के स्मेल कर लेना और उसके बाद बता देना मेरे को, ठीक है ना? चलो जल्दी से निकलते हैं दोनों के दोनों, लेट मत करना। देखो यार बहुत जरूरी केस है मेरे लिए, फिर उसके बाद तुम दोनों घर पे जा सकते हो और अच्छा खाना खा सकते हो। अब आएगा मजा ड्राइवर भाई, थैंक यू काम करवाने के लिए। और वैसे भी ये काम तुम्हारे घर वापस जाने का काम है, इसको तो हम जरूर करेंगे। ये रोकी विनायक काफी अच्छा लगता है बोलते हुए, ये बड़े क्यूट वाली बातें करता है, मतलब बड़े प्यार से अच्छे तरीके से बोलता है। ये डोगी बदतमीजी की तरह बोलता है। मेरे प्यारे डोगी हो, आ जाओ भाई फटाफट से, चलो 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 जल्दी से। तो भाई क्लिप स्टार पे मैं दोनों को लेकर गया, आपको याद है क्लिप स्टार पे एक बार मैं जनरल से मिलने के लिए आया था, उसी अपार्टमेंट में उसकी स्मेल जरूर होगी, वहाँ पे कपड़े होंगे, आराम से सूंघ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई जल्दी से उतरो। ड्राइवर एक काम कर यार, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, और वैसे भी अभी रोकी को ट्रेनिंग का टाइम है, मैंने रोकी को ट्रेन करके रखा है, आज तू इसको लेकर के जा ताकि ये अच्छे से काम कर सके। देख मैं तो कर ही लेता हूँ, बट रोकी को भी आना चाहिए सारी चीज करने के लिए। रोकी बेटे चल जल्दी से ड्राइवर के साथ जा और सारी चीज चेक करके आ। ओके डोगी, तुम जैसा कहो ऐसा ही, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, तुमको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। ठीक है भाई रोकी चल, तुम उधर जा गाड़ी से। ये डोगी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। ये रहा है भाई, मैं नहीं करता, मैं थोड़ा रेस्ट करने वाला हूँ, मैंने काफी ट्रेनिंग दे दी है रोकी को। चल तो रोकी बेटे आ जा, रस्सी बंधवा ले और फटाफट से चल जल्दी से अपार्टमेंट में, वहीं पे चलते हैं। अरे रे यही तो तेरी प्यारी क्यूटनेस वाली आवाज। और नमूने नखरीले, गाड़ी से बाहर मत उतरना ठीक है ना, कभी पता चले तेरे को किडनैप करके ले जाए, मेरा काम बढ़ जाए। चलिए भाई अंदर की तरफ निकलते हैं। रोकी बेटे पूरे का पूरा अपार्टमेंट को चेक करते चले, ऐसे ही कुछ भी मत छोड़ना। ओके ड्राइवर भाई, मैं बस सूंघने में लगा हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से स्मेल आ रही है। एक अंकल यहाँ पर रहते सिर्फ, और बाकी स्मेल है ही नहीं, सिर्फ एक ही की स्मेल आ रही है, तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे को। अगर ज्यादा चीजें यहाँ पर होती तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था, बट अभी टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, उसके बाद मैं सब कुछ पता करके आपको बता दूंगा। बस मेरे को यहीं पे रोक दो ड्राइवर भाई, बस बस बस। फिलहाल रोकी यहाँ पर रुक के सूंघना चाहता, तो ठीक है मेरे प्यार रोकी इस वाले रूम को सूंघ ले भाई, ये बेडरूम है तो यहाँ पे ज्यादा इसकी स्मेल होने वाली है। रोकी भाई कुछ पता चला? ड्राइवर भाई मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैंने सब कुछ सूंघ लिया, अभी मेरे को बहुत अच्छे से स्मेल आ रही है। चलो चलो फटाफट चलो, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये स्मेल मेरे को कहाँ तक आ रही है, मैं आपको वहीं पे लेकर के जाऊंगा। जल्दी चलो, लेट मत करो, नहीं तो फिर आपको पता है स्मेल का ज्यादा भरोसा नहीं है, क्या बताओ बदल जाए। चलो चलो चलो। ये सही है भाई, आ जा रोगी जल्द फटाफट से आ जल्दी से मेरे भाई, तो इसको स्मेल आई है, बोल रहा है कि जल्दी चलो मेरे को एक स्मेल आ रही है, मैं उसको फॉलो करते करते चलूंगा और आप भी चलते रहिए। तो चल मेरे भाई आ जा फटाफट से, चल 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 इधर से रास्ता है रोकी, बहुत बढ़िया चल चल। रोकी फटाफट से गाड़ी में बैठ जाए मेरे प्यारे भाई, आराम से। अबे कहां से जा करके बैठेगा, घूम करके बैठेगा? अरे यार ये बहुत सही है, अबे इधर से ही बैठ जाता, क्यों क्या हो गया? ये भी ना आजकल डोगी की तरह आदत सीखते जा रहा है। तो ठीक है भाई, प्यार रोकी जा करके बैठ चुका है और अब भी आने वाला है मजा। तो रोकी बैठी, क्या पता चला तेरे को? चल जल्दी से भोंकना शुरू कर। ड्राइवर भाई सीधा ही ले लो, स्मेल यहीं से आती रह रही है। और हाँ ये खिड़की बंद मत करना, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे आराम से बता दूंगा आपको। बस आप चलते रहिए, सीधे चलते रहिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी जल्दी, मैं बिल्कुल लेट नहीं कराऊंगा, मेरे को काफी अच्छे से स्मेल आ रही है, चलते रहिए। बहुत सही है भाई, तो चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर कहाँ तक लेकर के जाने वाला है। ड्राइवर भाई बस यहाँ पे दो मिनट के लिए गाड़ी खड़ी कर दो, मैं यहाँ पर सूंघने में लगा हूँ, यहाँ पर भी मेरे को स्मेल आ रही है काफी ज्यादा। फिलहाल रोकी का नाक बहुत अच्छा है भाई, पता है ये कहाँ पे लेकर गया मेरे को सूंघते सूंघते? ये क्राइम सीन पे मेरे को लेकर गया, जहाँ से मतलब कि हमारे प्यारे भाई किडनैप हुए जनरल, तो रोकी यहाँ पर पहुंच गया और बोल रहा है यहाँ पे काफी स्मेल आ रही है, बस मेरे को थोड़ा टाइम दो, गाड़ी में बैठे बैठे सूंघने में लग रहा है। तो रोकी बेटे कोई बात नहीं, तो आराम से सूंघ ले। अबे डोगी सच्ची में तो काफी ट्रेन कर दिया तूने, सच्ची में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बढ़िया एकदम।
ड्राइवर भाई चलिए, मेरे को स्मेल काफी और भी आ रही है, आगे ले लीजिए गाड़ी को, आगे चलिए चलिए, सीधा चलते रहिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ, अभी आपका आपका बंदा मिल ही जाएगा। बहुत ही बढ़िया, तो चल मेरे प्यारे भाई बताता रहे और मैं चलता हूँ जल्दी से, देखते भाई आपकी बार कहाँ पे लेकर के जाने वाला है। अब तो जनरल मिलने ही वाला है, बस अब आएगा मजा। बंदे यहाँ पे खड़े हुए, ओके रोकी मेरे प्यार भाई यहीं पर रहे, डॉगी भी तू भी सेफ रहना, नमूने तू तो प्यार से बात करता नहीं है बट फिर भी हमें तो तेरी फिक्र है। तो वैसे रोकी काफी अच्छा है। चलिए भाई आगे तरफ निकलते, तो ये है बंदे, तो लगता है यहाँ पर ही बंद करके रखा हुआ है हमारे जनरल को, वो तो अब भी पता कर लेंगे हम 2 मिनट में। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग? फिलहाल काफी बंदे अलर्ट है भाई, मेरी बात जरा सुनना यार। जनरल, शहर के जनरल हो चुके किडनैप, आप लोगों ने किडनैप करा है ना, सच बता तूने किया है ना ताय भाई, इन्होंने सारा का सारा काम करा है, बंदा ने मेरे पर गोली चला दी जैसे कि आप देख ही रहोगे, और इनका नेता मैं अभी बना दूंगा आपको बताइए। ड्राइवर पीटने में एक नंबर है। हेलो भाई आजा आजा फटाफट से आजा, बहुत सारे बंदों को तो मैंने मार दिया बट कुछ बंदे जो है अभी भी छुप कर रखे हुए हैं, बस कुछ ही बंदे बचे हुए हैं, तो सभी का नेता मैं बनाने वाला हूँ। अबे आ जाओ भाई आ जाओ, कहाँ हो बाकी के बंदे जो छुप करके बैठे हुए हैं? ऊपर निकलते हैं, पता तो अभी करके ही रहूंगा भाई मैं, हमारे शहर के जनरल कहाँ पर है, कहीं ना कहीं तो होने वाले हैं। हेलो भाई कोई यहाँ पर है क्या? अबे बाहर निकल के आजा भाई प्यार से, तो फिलहाल लगता है मैंने सही बंदों को मार दिया है, शायद पक्का नहीं बोलूंगा, फिलहाल ढूंढ लेता हूँ। देखो एक दो बंदा अगर यहाँ पे मिल गया तो तभी तो कुछ फायदा होगा ना भाई, देखो उससे ही तो पूछताछ करूंगा बाकी सभी चीजों की, अभी पता नहीं फिलहाल है कहाँ पे। हेलो चाचा जी, ओके ये भाई खत्म हो चुके हैं, बाकी यहाँ के बंदे ही मारे गए, और कोई बंदा है? बस इतने ही बंदे थे शायद से, और वो सारे सारे बंदे मैंने मार दिए। फिलहाल अभी चेक ये करना है मुझे कि इनमें से कौन सा बंदा जिंदा है। देखो अगर भाई सारे बंदे ही मर गए होंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, वैसे कोई ना कोई बंदा जिंदा तो होगा। मेरे प्यारे रोकी टेंशन ले, तेरी मेहनत खराब नहीं जाने वाली, कोई ना कोई जिंदा जरूर होगा, अभी चेक करता हूँ। मैंने इस बंदे से उठा करके सारी सारी बातें कर ली है, बंदे ने मेरे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। फिलहाल मेरे प्यारे चाचा जी अभी निकल लीजिए, अभी आपको कोई भी काम नहीं यहाँ पे। पॉइंट ये भाई, ये बंदा बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे जनरल जी को लाया गया था, बट फिलहाल अभी मोंटी जानता है वो कहाँ पर है और कोई भी नहीं जानता, कोई टेंशन की बात नहीं है, मोंटी के पास चलते। इसने मेरे को मोंटी की जगह बता दिया, मोंटी को पीटेंगे जनरल की लोकेशन मिल जाएगी, देखा जाएगा। तो अभी रोकी और डोगी का और कुछ भी काम नहीं है, यहाँ की जगह चेक करवाने से कोई फायदा नहीं है, हमें एड्रेस बताइए मोंटी का। तो फिलहाल मेरे प्यारे डोगियो अभी आप लोग घर पर जा सकते हो, तो फिलहाल मैं इनको छोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, ये आराम से आपको पता चले जाएंगे घूमते फिरते, ये भाई पूरे लॉस एंजेलिस के गली जानते हैं। तो रोकी डोगी देखो यार भाइयों, तुम्हारा काम हो चुका है, थैंक यू मेरे प्यार रोकी, तूने हेल्प करी, तेरी वजह से मेरे को ये पता लगा कि आखिर कौन सा वो बंदा जिसने सारा काम किया है, कोई मोंटी नाम का बंदा जिसने सारा काम करके रखा हुआ है। तो आप लोग लट्टू की तरह गर्दन घुमानी बंद करो और ठीक है पहुंच जाओ दोनों। ओके ट्रेयर भाई, आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा, अभी फिलहाल आप आराम से अपना काम कर लीजिए। ठीक है ड्राइवर, चल ठीक है, मिलते हैं बाद में अगर जिंदा रहे तो, आराम से ख्याल रखना और हाँ मर मत जाना बे। ए बदतमीज, तेरे को ऐसा मन करता है डंडे इतने बजाओ तेरे को भगा दूंगा मैं घर से, क्योंकि मेरे पास रोकी आ चुका है अभी, समझ रहा है ना, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथों खराब मत कर, यही वाला काम हो रहा है, अपनी इज्जत अपने हाथ खराब करने में लगवाया डोगी, बदतमीजी से बात करने लग गया, पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है इसमें। अबे मैं तेरे को खिलाता पिलाता हूँ, तू मेरे को खिलाता पिलाता नहीं है, अगर मेरी मर्जी आ गई ना तेरे घर से निकाल दूंगा, 1 मिनट लगने वाली है, फिर रोड पे घूमेगा पूरी जिंदगी और रोकी मजे लेगा, समझ रहा है ना, 2 मिनट लगेगी तो यकड़ सही करने है मेरे को। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि प्यार से सही हो जाए, बट अगर ये प्यार से नहीं सुधरा फिर हम इसको थोड़ा सा एटीट्यूड से समझाएंगे। देखो भाई ओनर हम है, ये हमारा ओनर नहीं है, इसलिए अपने ओनर को थोड़ा सा रखना चाहिए अपनी इज्जत बना के। अब अगर मान लो इसकी नजरों में मेरी इज्जत बिल्कुल ही गिर गई तो ड्राइवर को कुछ भी नहीं पूछेगा, फिलहाल तो चलो अभी कोई बात नहीं, बट आगे अगर इसने ऐसी और भी कई हरकतें करी तो फिर मैं इसको सबक सिखाऊंगा। भाई पहुंच चुका हूं जगह पर, तो मोंटी यहीं पर मिलने वाला है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसी क्लब में हमारा मोंटी मेरे को मिलने वाला है। हेलो हेलो, अबे कैसे बाहर निकलने में लग रहे हो सारे के सारे, कोई आफत आ गई क्या? अंदर कुछ हो तो नहीं गया ना, एकदम से बाहर निकल गए सारे बंदे। हेलो मोंटी भैया, ट्रेवर इज हेयर, वाह भाई वाह, यहाँ पे तो पूरा काम चलने में लग रहा है। अरे यार बाली उम्र में पतली कमर में मोच आ जाएगी भाई तेरे, ओ मेरे प्यारे भाई, इतनी प्यारी पतली सी कमर मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी, आई लव यू मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? ओ भाई चौचा का डांस देख रहे हो, इतने शिद्दत से और इतने मतलब मजे से, क्या मस्त है ये चाचा, देख किधर रहा है अबे कहाँ पे देख करके डांस कर रहा है ये चाचा, अश्लील हो रहा है कतई। तो फिलहाल चलिए मोंटी के बारे में पता कर लेते हैं, यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह? ओके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। हेलो मेरे प्यारे गार्ड, ओहो हाथ से पिस्टल बहुत मारूंगा बेटे, वाह ये तो वही है ना मोटी मोटी आंखों वाला भाई। यहाँ पे मोंटी कहाँ पर रहता है जरा मुझे मिलना है उससे, मोंटी यहीं पर रहता है, मैंने बोल रहा है कि ऊपर रहता है ट्रेवर भाई, मोंटी ऊपर जाकर के पता कर लीजिए कहाँ पर हुआ, बाहर निकल करके आइए। अरे भाई साहब मोंटी की तो घंटी बजा दी, मुझे लगता है किसी ने कैश पड़ा हुआ यहाँ पे, थोड़ा पैसा ले लेते, $12 और $11। अरे अरे मोंटी जी गरीब थे यही थके मोंटी, अरे यार मोंटी घंटी बजा दी किसी ने। एक सेकंड यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, अभी लैपटॉप मोंटी का है तो बड़ा मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप में ना बंदे बहुत बार क्या होता है इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो एक काम करते हैं
अब यार मोंटी मर गया तो यार अब कौन बताएगा मेरे को, इसमें मेरे डोगी भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि मोंटी देखो वहां पे अगर हम एरिया को स्कैन करते तो मोंटी यहीं पे लेकर के आया होगा जनरल को। मान लो वहां पे स्कैन बता रहा हूँ मैं, उसको सुंघाता रोकी को, तो रोकी मुझे यहीं पे लेकर के आता, और यहाँ से फिर अगर मैं दोबारा उसको स्मेल कराऊं तो मेरे को दोबारा लेकर के जा सकता है नहीं जा सकता, उसको लाने में तो एक मिनट लगने वाली है, बट मेरे को लगता नहीं भाई कुछ फायदा होने वाला है। मैं फिर भी एक काम करता हूँ, एक काम करते पहले मैं इस लैपटॉप को लेकर के चलता हूँ लेस्टर के पास, 1% क्या पता इसी में डिटेल्स मिल जाए, अगर इसमें मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आपको पता है आखिरी ऑप्शन जगह को स्मेल करा देंगे, बस यही ऑप्शन है, फिर तो फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं। भाई मैंने लैपटॉप उठा लिया है, ये भी पता करेंगे आखिर मोंटी घंटी किसने बजाई है, वही बंदा हो सकता है, इसका मतलब मोंटी मेन बंदा नहीं है भाई, मोंटी के अलावा भी कोई और बंदा है जो सारे सारे काम कर रहा है, पता तो चल ही जाएगा आखिर किसने सारा काम करके रखा है। बताओ यार हम इतने पास तक पहुंच गए थे, ये बंदा सारी बातें बता भी देता, मेरे प्यार डोगी ने मतलब रोकी ने करा, डोगी का मैं नाम लूंगा ही नहीं, मेरे प्यार रोकी ने इतनी मेहनत करी बेचारे ने और मेरे को यहाँ तक लेकर आया, बट इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिलहाल मेरे पास पुलिस वाले बंदों को फोन आया, मेरे को बोल रहे कि ड्राइवर सर फटाफट से आ जाइए, बहुत बुरा काम हो चुका है, आप बीच पर आ जाइए। फिलहाल उन बंदों ने भाई अभी धमकी के अलावा काम भी करना शुरू कर दिया है, ऐसा मेरे को पुलिस वाले बोल रहे हैं। उन बंदों ने ना एक प्लेन में बॉम्ब रखा और उस भाई प्लेन को आपको पता है बॉम्ब के बाद वो प्लेन फिर फटा और क्रैश हो गया जाकर के पानी की साइड पे, बीच की साइड पे, और ये सब कुछ क्यों करा उन बंदों ने जिन्होंने किडनैप किया है ना, उन्होंने सारा का सारा काम किया, बोला कि अभी तो हमने सिर्फ प्लेन के ऊपर अटैक किया है, अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो अगला नंबर होने वाला है जनरल का और फिर लॉस सैंटोस के बाकी बंदों का। कौन है आखिरी बंदे भाई जो जनरल के पीछे पड़े हुए और ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। भाई अब पहुंच चुका हूं बीच पे, गाड़ी मेरी पीछे की तरफ खड़ी है, तो फिलहाल चलिए जल्दी से निकल जाता हूं भाई आगे। तो भाई काफी बंदे यहां पे आगे रखे हुए, न्यूज वाले बंदे यहां पर आगे रखे हैं, मतलब बहुत सारे बंदे यहां पर आकर के रखे हुए हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों क्या हाल चाल है, वाह भाई वाह, ये नमूना भी यहां पे आ गया। अबे घर पे क्यों नहीं है तू, घर पे मेरा डॉगी, ऐसे वो पहुंचा नहीं है बट पहुंच जाएंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है माइकल यार, हद हो के रखे, घर पर पहुंच फटाफट से, वहां पे अकेले है डॉगी और तेरा पिटबुल भी, जा जल्दी से पहुंच जा नहीं तो बहुत पीटूंगा। ये भी ना भाई इसको मौका चाहिए घर से बाहर आने का, यहाँ पे सोचा होगा कि चलो यार प्लेन क्रैश हो चुका, देख करके आता हूँ क्या होके रखा हुआ है। अबे मेरे प्यारे भाई वो तीनों अकेले है घर पे, जा फ्री में यार, इसको बहाना चाहिए, मतलब घूमना है माइकल को, माइकल एक जगह बैठ ही नहीं सकता, मैंने आपको पहले बोल के रखा है। तो ये है भाई सामने की तरफ जो प्लेन क्रैश कर दिया उन बंदों ने, चलो कोई बात नहीं भाई, इसका बदला हम जरूर लेंगे। आप लोग टेंशन मत लो, मैं सारा सारा काम जल्दी सॉल्व कर दूंगा, मैं जल्दी जनरल को ढूंढ के निकालूंगा और यही पता कर लूंगा आखिर कौन वो बंदे है, ठीक है। मैं टकले मेरे प्यारे भाई, टकले ही कसम सारा काम सही हो जाएगा टाइम पे, तो टेंशन मत ले। फिलहाल ऑफिसर बोल रहा है थैंक यू ट्रेवर भाई, अभी मेरे को पूरा भरोसा है आप अभी सारा काम कर ही लोगे, मतलब कमाल है इसके टकले कसम सुनने के बाद, इसको क्या मेरे ऊपर भरोसा हो गया, हद है भाई, बंदे भी लॉस सैंटोस के। जल्दी से गाड़ी को लेकर के निकलता हूँ और आपकी बात बस लेस्टर के पास पहुंच रहा है, लेस्टर के पास मैं लैपटॉप को लेकर के आ चुका हूँ, लेस्टर काम पर लग चुका है जैसे कि आप देख रहे होंगे, हैकिंग करनी शुरू कर दिया बंदे ने, देखते कितना टाइम लगने वाला है इसको ब्रेक करने में सारी चीज करने में। प्लीज मेरे प्यार लेस्टर भाई जल्दी से इसके पासवर्ड अनलॉक कर ले, जब तक ट्रेवर तो क्या करेगा तेरे पास करने के लिए क्या है, चलिए भाई जब तक ट्रेवर यहाँ पे गोलियों की प्रैक्टिस करेगा हम थोड़ी सी यहाँ पे एम प्रैक्टिस करने वाले। मेरे प्यारे ट्रेवर कहाँ पे मारेगा, वैसे यार मेरे को ना एम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सच्ची में कुछ लगाना चाहिए ताकि जब तक लेस्टर काम करे जब तक हम टाइम पास कर ले। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है बट यहाँ पे मेरे को लगाना चाहिए ताकि हम अपने इस हैंगर में प्रैक्टिस कर सके। फिलहाल तो हैंगर पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो अभी भाई दूसरी गन पिस्टल से काफी है मेरे पास, पिस्टल ट्राई करे, अलग अलग टाइप की पिस्टल है, सबका अलग अलग डैमेज है। मेरे छोटे हेलीकॉप्टर ये ले बैठे, फिलहाल ये अलग है भाई, देख रहे हो गोल्ड में सही है भाई, वैसे काफी वेपन्स है हमारे पास में, इसी को देख लीजिए आप, साउंड सभी की एक ही आ रही है ना, कमाल नहीं इसकी अलग है, बाकी उन तीन की तो साउंड एक ही आई थी, काफी अच्छी लग रही है भाई, ये चलाने मेरे को काफी अच्छी लगी, ये अलग है। अच्छा साउंड इनकी एक इसलिए क्यों आ रही है ना, इनके सामने भाई सप्रेसर लगा है, मतलब कि साइलेंसर लगा हुआ है, इसलिए इनकी एक जैसी आवाज आ रही है सभी की। फिलहाल ये ले मेरी प्यारी बेटी, ये भी सेम लग रही है मेरे को चलने में, ये काफी अलग है, ओ भाई ये सही है, इसमें मेरे को ना रिलोड करने के मतलब कि एक साथ कितनी फास्ट गोलियां निकल रही है देख रहे हो, मान लो पिस्टल में ना बहुत आराम आराम से गोली निकलती है, काफी गैप है गोली निकलने में, बट इसको देखो जैसे मिनी गन चला रखे रखी हो भाई, ये देखो देखो ये सही, ये इसका यूज करेंगे, ये काफी अच्छी पिस्टल लगी मुझे, गोली मतलब राउंड 36 है कुल, एक राउंड में 36 गोलियां है बट अमेजिंग चल रही है, परफेक्ट भाई, ये तो बहुत बुरा मारेंगे बंदे को, आगे से इस पिस्टल को यूज करेंगे, और ये अपनी थकी हुई पिस्टल बोलूंगा नहीं मैं इसको, ये तो अपनी वही थकी हुई क्या बोलते हैं इसका स्टन गन। लेसर भाई काफी टाइम वेस्ट करा दे तूने मेरा, कुछ मिला भाई जल्दी से बोलना, बट एक पिस्टल काफी अच्छी देखने में आ गई तेरे चक्कर में मेरे को। लेसर बोल रहा है ट्रेवर खुश हो जा, पता लग चुका है लैपटॉप मैंने ऑन कर लिया और लोकेशन भी है कहाँ पे प्रेजेंट को रखा हुआ है, कुछ ईमेल्स मैंने पढ़ लिए, जल्दी से जगह पर जाकर के देख जगह पे जनरल है या नहीं है। थैंक यू लेस्टर यार मजा आ गया, मेरे को पूरी उम्मीद थी लेस्टर इसको ओपन कर देगा, तो फिलहाल चलिए भाई अभी डॉगी और रोकी कोई जरूरत ही नहीं है, अपना काम बन गया। फिलहाल तो देखते हैं इस लैपटॉप की इंफॉर्मेशन में जो जगह है वहीं पे जनरल है या नहीं है, आने वाला है मतलब। चल चल ड्राइवर भाई, भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूं, लेस्टर ने मेरे को इसी जगह के बारे में बोला है,
तो यहाँ पे भाई कुछ चीज तो बनी हुई है, किसी का बेस है लगता है काफी सीक्रेट। अंदर की तरफ निकलते और जाकर के चेक करते हैं भाई यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। काश भाई यहाँ पर कुछ तो मिल जाए तो बहुत फायदा हमारा हो जाएगा। ड्राइवर भाई एक काम कर, गाड़ी कहीं पे खड़ी कर दे और जल्दी से इस बेस के अंदर जाकर के चेक कर। तो देखते हैं भाई आखिर इस बेस के अंदर क्या क्या हमको मिलने वाला है। चल 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 ड्राइवर भाई जल्दी से निकल, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा इसके अंदर। तो यहाँ से देखो मार्कर बना हुआ है तो शायद से हम यहाँ से जा सकते हैं अंदर की तरफ। अंदर निकलते हैं चेक करते हैं सारी चीजें। भाई मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, काफी बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक काम करते हैं मारते शुरू करते हैं, क्योंकि भाई क्या पता कितने बंदे इस बेस पर होने वाले। तो धीरे धीरे अभी मारेंगे तो बंदे कम होते चले जाएंगे। हेलो मेरे प्यारे भाई, हेलो बेटे, कैसे खड़ा हुआ है? आ जा जल्दी से, आ जा। तो फिलहाल भाई काफी अलग सा और अजीब सा बेस बंदों ने बना के रखा है और बंदे नीचे निकल गए पाताल में। ये कैसा बेस है भाई, सच में कमाल चल रहा है यहाँ पे। भाई चलिए जल्दी से निकलते हैं मेरे प्यारे प्यारे ड्राइवर, थोड़ा नीचे की तरफ। ओहो भाई यहाँ पर भी काफी बंदे हैं। आ जाइए, गोली खा लीजिए। अरे रे पाताल में निकल गए, कैसा बेस है भाई, बंदे आर पार निकलते जा रहे हैं मरने के बाद। अलग लेवल चल रहा है यहाँ पे तो कुछ तो। फिलहाल चलिए यहाँ पे जाकर चेक करते हैं, पहले तो खुल जा सिम। भाई क्या मस्त एरिया, जैसे कि आप देख रहे होंगे काफी बड़ा बेस है यहाँ पे। मिसाइल्स वगैरह ये किस चीज के लिए बना के रखा है बंदर ने इतना बड़ा स्पेस? लगता है यहाँ पे एम प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। यहाँ पे पेट्रोल भी डालते हैं क्या? सही है भाई, बंदर ने देखो अंडरग्राउंड क्या क्या चीजें बना करके रखी है। तो यहाँ से अभी ये गेट बंद हुआ नहीं हुआ? अबे भाई हो जाना, तो यहाँ से अभी मेरे को अभी अंदर जाना पड़ेगा। फिलहाल ये गेट बंद ही नहीं हो रहा भाई। ओके अभी ये हो चुका है, बड़ा अजीब है यार। यहाँ से मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। चल भाई चाचा जल्दी से बंद हो जा, क्योंकि इसके सामने एक और गेट है, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा। ओके ये यहाँ से जाना है अभी मुझे। फिलहाल वो तू शोर मचा रहा था, ये ले बेटे आया मजा, फिर ये मरने का काम कर रहा है। खुल जा भाई खुल जा। तो ये भी एक गेट है, तो चलो ये भाई ये भी खुल चुका है। जनरल जी बाहर आ जाइए, अगर यहीं पर आप हो तो बस एक आवाज मारिए, ट्रेयर आपको बचाने के लिए आ चुका है। यहाँ पर हो क्या? फिलहाल लॉक के नहीं भाई, यहाँ पर भी नहीं है, सोफा पड़े हुए हैं। यहाँ पे आकर जाकर के चेक करता हूँ। हेलो मेरे प्यारे चाचा, ये ले बेटे कैसे लगी? अरे भाई जनरल भैया कैसे हो? मैं बस 2 मिनट बंदों का नेता बना के अब भी आया आपको पकड़े रखा। हमारे लोस सैंटोस जनरल को, वो भी इतने ईमानदार जनरल को। जनरल जी बड़ा मेहनत हुई और मेरे रॉकी ने भी बड़ी मेहनत करी आपको ढूंढवाने में। वही मेरा प्यार सा क्यूट सा डॉगी जो आपको, मतलब आपने उल्टे सीधे काम करे उनको डरा के रखा है। बट फिलहाल वो बहुत हेल्प करते हैं पता है, बिना कुछ कहे उन्होंने आपके ढूंढने के लिए हेल्प करी। फिलहाल चलिए फाइनली हमने भाई अपने लॉस सैंटोस के जनरल को ढूंढ लिया। तो इसका मतलब मोंटी के लैपटॉप में सारी इन्फॉर्मेशन थी। लैपटॉप खुलते ही हमें लोकेशन मिल गई और यहाँ पर जनरल भी मिल गए। आप चलिए जल्दी से, मैं आपको खोल देता हूँ। और हाँ, आपको मेरे को अभी लेकर के जाना पड़ेगा प्रेजेंट हाउस पर, क्योंकि वहां पे मैंने आपके लिए एक मीटिंग रखाई है। वहां पे सारे न्यूज वाले बंदे हैं, वहां पे जाकर के प्लीज देखो आपको बोलना पड़ेगा मेरे बारे में कि मैंने कुछ नहीं करा। आप कुछ भी झूठ बोल देना, बस मेरे को इनोसेंट साबित करो और हम लेसर को, हम दोनों को आप जल्दी से साबित करो कि हमने कुछ नहीं करा, हम बिल्कुल फिर शरीफ बंदों की तरह घूमेंगे। समझ में आ रहा है ना? जनरल को मैंने खोल दिया, जनरल बोल रहा है ट्रेवर थैंक यू हेल्प करने के लिए, जैसा तुम बोलोगे ऐसा ही होगा। आज मैंने जान लिया ट्रेवर के सच में तुम बहुत अच्छे बंदे हो। मैं अभी तक तुमको बेकार बंदा सोचा करता था, तुम्हें सोचता था मैं तुम भी बाकी दूसरे बंदों की तरह क्रिमिनल हो, शरीफ बंदों को मारते हो, उनको परेशान करते हो और उनके पैसे छीन लेते हो। मैं तुम्हें ऐसे ही सोचा करता था, बट तुम तो बहुत अच्छे हो। तुमने सच में मेरी जान बचाई, कुछ भी नहीं सोचा अपने बारे में, तुम बहुत अच्छे बंदे हो। फिलहाल तो यार काफी तारीफ कर रहा है। थैंक यू जनरल जी, मेरे को काफी खुशी है भाई। देखो कितना अच्छा हो गया भाई सिचुएशन, ये कि अच्छा हुआ किडनैप हुआ, इससे क्या होगा ये मेरा दोस्त ही बन गया और ये मेरे को अच्छा भी सोच रहा है, मतलब इसकी नजरों में हीरो बन गया, मेरे तो फायदा हो गया। थैंक यू जनरल, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, आपने बट मेरे को एक चांस नहीं दिया। आप फिर ये मेरे को फंसाने में लगे थे, ये करने में लगे थे, बट अभी भी देर नहीं हुई है, हम अब भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ जगह पर। भाई मैं जनरल को प्रेजेंट ऑफिस पे लेकर के आ चुका हूँ, ये मेरा प्लान है भाई। मतलब कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक मीटिंग रखवाई है, कॉन्फ्रेंस मतलब ये इंटरव्यू वाली चीज रखवाई है, क्योंकि मुझे ये अपने आप को साबित करना था। क्योंकि ये बंदा अगर मान लो दूसरों के सामने बोलता तो पुलिस वाले यकीन नहीं करते, बट अभी ये ऑफिशियल न्यूज़ वालों के सामने बोलेगा ट्रेवर ऐसा कुछ नहीं करा, ट्रेवर बिल्कुल सही है, कोई इसके ऊपर केसेस नहीं है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो बचा तो मैंने इसको लिया, तो अब इसका फायदा भी तो ले लेते हैं ना, कभी ये बंदा बाद में बदल जाए और नुकसान दे, अभी इसके ही मुंह से खिलवा दूंगा तो ये बंदा दोस्त बन जाएगा। लेसर भी यहाँ पर पहुंच चुका है ऑलरेडी। आ जाइए जनरल जी प्लीज, आपके लिए मैंने सारी चीजें रखवाई, अरेंजमेंट करवाया है, अभी आप जल्दी से आकर के बोल दीजिए मैंने आपकी जान बचाई और आगे इन फ्यूचर में आपकी जान बचाऊंगा। बस ड्राइवर को परेशान ना करें, मिलिट्री वाले अपना काम करें जैसे वो करते हैं, जल्दी से बोल दीजिए। प्यारे लॉस सैंटोस वालों, सच्ची में मैंने नहीं सोचा था कि मैं बच पाऊंगा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में था, बट ट्रेवर ने अपनी जान पे खेल करके मुझे बचाया बहुत सारे बंदों के बीच से। उन्होंने मुझे एक बेसमेंट में अपने बेस में बंद करके रखा था, वो चाहते थे कि हम सभी वेपन्स उनके हवाले कर दे लॉस सैंटोस के, बट ट्रेवर ने अपनी जान पर खेल करके सब कुछ सही कर दिया। सच्ची में बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनके बारे में गलत था। अभी आगे से ट्रेवर के ऊपर कोई भी जल्दी से हम परेशानी नहीं करेंगे, मतलब कि जब तक वो कोई भी उल्टे काम दोबारा नहीं करने वाले।
अगर वो आराम से ईमानदारी से हमेशा अपना काम करेंगे तो मैं वादा करता हूँ हमारी तरफ से कभी भी कोई उनको परेशानी नहीं होने वाली। चलिए फिलहाल भाई कुछ तो इसने अच्छा बोला। वैसे ये बोल रहा है कि अगर इन फ्यूचर ट्रेवर ने फिर से गलत काम किए, मतलब कि जो है असली में आपकी बार तो इसने मुझे फंसाया था, बट अगर मान लो इन फ्यूचर वैसे ट्रेवर कभी करेगा नहीं, बट अगर किया जैसे कि ट्रेवर ने ट्रस्ट का काम किया, वेपन का काम किया, उल्टे सीधे काम किए जिससे शेयर को नुकसान हुआ, तो फिर उसके बाद मिलिट्री एक्शन लेगी, ऐसे भी कुछ नहीं करने वाली और अपनी तरफ से ही अब की बार नकली ड्रामा कुछ नहीं करेंगे जैसे मेरे को झूठे केस में फंसाया था। बहुत बढ़िया, चलिए भाई जनरल ने मेरे बारे में काफी अच्छी बात बोल दी है, मैं और लेस्टर अभी केस में से निकल गए बाहर। थैंक यू जनरल जी, थैंक यू, अभी चलिए मैं निकलता हूँ। ड्राइवर अभी रुको, थोड़ा सा काम पूरा हो जाने तो मैं दो चार बातें और बोल देता हूँ, फिर तुम मेरे गैरेज में मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है प्लीज, और वो गिफ्ट तुम्हें लेना पड़ेगा। क्या देने वाला है? चलिए ठीक है, मैं वेट करता हूँ। लेस्टर भाई एक काम कर, तू घर पे निकल जा, थोड़ा सा काम करने के बाद ये मेरे को कहीं पे लेकर के जाने वाले हैं, उसके बाद मैं सीधा घर पर निकलूंगा, ठीक है ना? तो पहुंच जा, बात खत्म। तो ठीक है भाई, अभी कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरे गार्ड्स को मैं दोबारा से बुला लेता हूँ और अपने प्यारे डॉगी मेरे दो भाई उनको बुला लेता हूँ, अभी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, बात खत्म। भाई स्पीच के बाद जनरल जी मेरे को एक जगह पे लेकर आ चुके हैं। सही में भाई मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था बंदा मेरे को ये बोलने वाला है। तो फिलहाल ये यहाँ पे मेरे को अपने पर्सनल गैरेज में लेकर के आया है और इसने मेरे को बोला है कि ट्रेवर काफी सालों से मैंने कुछ लैम्बोर्गिनीज इकट्ठा करी जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लैम्बोर्गिनी है और मैं आज उन सभी को तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, ये मेरे दिल के सबसे पास है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ड्राइवर, थैंक यू बोलने के लिए, प्लीज मना मत करना। तो फिलहाल यार ये सच में जनरल बिना इसकी जान क्या मैंने बचा ली है, बंदा अपनी सारी लैम्बोर्गिनी कलेक्शन मेरे को देने वाला है भाई, देख रहे हो इसके हिसाब से ये कोई लैम्बोर्गिनी नहीं भागती क्योंकि इसने इनको स्पेशल डिजाइन करवाया और ऊपर से इनके अंदर जो इंजन है उसी को डिजाइन करवाया, बॉडी तो सेम ही है, इनके जो इंजन है ना वो काफी अलग है, बहुत तेज भागने वाली है, तो हम भी देखें आखिर भाई कितनी तेज भागते। चलो इनमें से कोई एक टेस्ट कर लेता हूँ, उसी से पता चल जाएगा गाड़ी में कितना दम है। तो ठीक है जनरल जी, चलो मैं एक गाड़ी को टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ हाईवे पे, फिलहाल चलिए देखते हैं कितना दम है, आप भी आ जाओ, चलो आप भी बैठो और चेक करके आते हैं देखते हैं कितना दम है। चलो भाई अच्छी लगी, भागने वाली हुई तो ले लेंगे, नहीं तो फिर इसी को दे देंगे, कोई बात नहीं बोलूंगा जनरल, इतना तो चलता है यार, आपकी गाड़ी आप ही रखो, मेरे पास ऑलरेडी है भाई। वैसे इस गाड़ी की स्पीड मैं इसको लेकर के आ चुका हूँ हाईवे तक, फिलहाल ना सच्ची में बहुत तेज भागने वाली है ये कार, इस टाइप की कार हमारे पास भी है बट वो इतनी तेज नहीं भागती, सही बोल रहा है भाई, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली कार मेरे को लग रही है। इसको ना मेरे को अपने हाईवे पे ही टेस्ट करनी पड़ेगी, आपको पता है मेरे पास एक हाईवे है, ये नॉर्मल जगह पे नहीं टेस्ट हो सकती भाई, आप देख रहे हो इसकी स्पीड कैसे रेस देती, कैसे एकदम 300 350 400 पकड़ रही है, यहाँ पे ये गाड़ी इम्पॉसिबल है टेस्ट करना, मेरे को भाई ट्रैक पे जाना पड़ेगा और ट्रैक पे जाने का टाइम अभी है ही नहीं मेरे पास क्योंकि मेरे को बाकी बहुत काम करने हैं, क्योंकि जनरल को बचाना है सिर्फ अकेला एक काम नहीं था मेरे पास में, फिलहाल और भी बहुत काम करने हैं। चलो अच्छी बात क्या है, अभी जनरल हमें कभी परेशान नहीं करेगा, गाड़ी आप जैसे कि देख रहे हो भाई 450 ऐसे चली गई, जैसी रोड यहाँ पे सीधा हो मैंने गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा दी, बहुत भाग रही है, मेरे पास भी ऐसी शायद से है 400-500 भागती है बट ये उससे ज़्यादा जाने वाली है क्योंकि मैंने अभी तक स्पीड भाई इसकी पूरी दी नहीं है, मैं इसकी पूरी स्पीड अगर दे दूंगा तो ये गाड़ी मुंह से बोलने वाली है सच्ची में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रोड सीधा है, देखते हैं भाई कितनी जाने वाली है, वैसे मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा तो जानी चाहिए इसको, तो फिलहाल 400 ऐसी पहुँची, 500 भी पहुँच गई है भाई, फिलहाल ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जाने वाली है, हिरन बच गई, हिरन बच गई। तो फिलहाल भाई यहाँ पे टेस्ट हो ही नहीं पाएगी बट जैसे कि आप लोगों ने देखा 500 ऐसी चली गई है और अभी तक पूरी स्पीड इसकी नहीं हुई थी, ये अभी भी भाग रही थी, ऐसा नहीं कि एक जगह जाकर रुक गई थी, तो भाई कम से कम ये 600 प्लस तो जाएगी कार, सच्ची काफी तेज कार है भाई जनरल आपकी तो, अमेजिंग, सॉरी गाड़ी इतनी भागती है, तो यार इसका कलेक्शन काफी अच्छा है लैम्बोर्गिनी का, तो मैं लूंगा। ठीक है जनरल, थैंक यू मेरे को गिफ्ट देने के लिए यार, आपकी लैम्बोर्गिनी कार कलेक्शन मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि सच्ची है भाई अगर सारी ही लैम्बोर्गिनी 600-600 भागेगी तो बहुत अच्छी कार से भाई, ऐसे थोड़ी भाग जाती है, 600 भागना बहुत ज्यादा स्पीड होती है 600 की, आप ऐसे ही मत सोचना कि बस एक ही सेकंड में वैसी जी ऐसी 600 हो गई, 600 भगाना रियल में वैसे भाग नहीं पाएगी क्योंकि ऐसे रोड ही नहीं मिलने वाले आपको, बट फिर भी 1% भगा ली ना तो 600 की स्पीड बहुत ज्यादा होती है भाई, बंदा 200 की स्पीड बहुत होती है और आप देख ही रहे होंगे 550 ऐसी पहुंच गई है फिलहाल कार, तो बहुत अच्छी स्पीड, कार की स्पीड काफी है। चलिए दोबारा से निकलते हैं, फिलहाल मेरे को अभी घर पर जाना है, जनरल को दोबारा से घर पर ड्रॉप करता हूँ, गाड़ी को मैं बाद में मंगवा लूंगा, गाड़ी को मैं इसको दे दूंगा, फिलहाल तो मैं जैगुआर लेकर ही घर पे जाऊंगा, ये जितनी भी कार से बाद में अपने गैरेज में शिफ्ट करवा लूंगा बाद में, वो कोई दिक्कत नहीं, अब तो अपनी घर की बात है, जनरल दोस्त बन चुका है, सबसे अच्छी बात भाई यही है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, भाई मैं अपने घर पर आ चुका हूँ, मैंने माइकल को फोन कर दिया, थोड़ी देर में मेरे प्यारे से क्यूट से दोनों डॉग यहाँ पर आने वाले हैं, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी जनरल हमें नहीं परेशान करेगा, ना पुलिस वाले परेशान करेंगे, ना मिलिट्री परेशान करेगी, अब वो अपना अलग काम करेंगे, हम अपना अलग काम कर सकते हैं जो हम पहले कर रहे थे, तो फिलहाल अभी हम दोबारा से अपनी रॉय गैंगस्टर लाइफ को फिर इंप्रूव करेंगे और भी ज्यादा। ओके तो मेकर पहुंच चुका, तो मैं यहाँ पे मेकर से मिलने के लिए आओ, मैं अपने गार्ड्स को दोबारा से बुला रहा हूँ, उनको पुलिस ने पकड़ के रखा था भाई, उनको छोड़ देंगे थोड़ी देर में, वापस से ड्यूटी पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हेलो मेकर ब्रो, कैसा है रे, क्या हाल चाल है, तो सब कुछ कैसा रहा, कैसा रहा सब कुछ, इसका फोन गायब हो गया था आपको याद है,
वो अभी तक नहीं मिला, वो हम ढूंढ लेंगे, वो ढूंढ लेंगे, बट उसके अलावा भी बहुत सारे काम इसने करे हैं। कैसा रहा? क्या यार ड्राइवर, तू सच में इतना बड़ा शैतान दिमाग वाला बंदा कैसे हो सकता है? मतलब तूने जनरल को यकीन दिला दिया कि उसको किसी और ने किडनैप किया था? अबे यार अभी तक सोच सोच के हंसी आ रही है। जब उसको पता चलेगा कि किडनैपर तू था तो क्या होगा भाई? सच्ची में उसका इलाज बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि असली किडनैपर ड्राइवर था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैंने और लेसर ने बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई है, आज आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं, उस जनरल को सीधा कर देंगे। तो फिलहाल प्लानिंग मेरी कल रात से चल पड़ी थी, हम लोगों ने उसको किडनैप किया, मेरे बंदों ने, मतलब कि अलग बंदे थे मेरे, फिलहाल परमानेंट वाले बंदे नहीं थे, तो नहीं तो पता चल जाता। तो मैंने उसको खुद ही किडनैप करवाया, खुद ही धमकी दी जनरल के बंदों को, मतलब मिलिट्री वालों को, कि हमें ये दे दो वो दे दो नहीं तो खत्म कर देंगे। मेरे को पता था मिलिट्री वाले मुंह उठा के मेरे पास ही आएंगे मेरे हेल्प लेने के लिए। मैंने ड्रामा किया, यहाँ पे गया वहाँ पे गया, मिलिट्री वाले मेरे ऊपर नजर रख रहे थे, वो भी देख रहे थे पल पल, इसीलिए मैंने सारा ड्रामा करा। उनको पता था ट्रेवर अभी कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, इसलिए फिर मैं ढूंढ रहा, कभी ब्लैक मार्केट में, फिर डॉगी को लेके गया, रोकी को अपार्टमेंट में गया, रोकी मेरे यहाँ लेके गया, रोकी वहाँ लेके गया, वो सब ड्रामा था। आप लोगों ने एक बात नोट करी, जब मैं ओल्ड स्कूल पे गया था मैंने वहाँ पे बंदों को मारा नहीं था, कुछ ही बंदों को मारते और सारे बंदे वहाँ पे ऑलरेडी पहले ही पड़े हुए थे। मैंने आपको बोला मैंने ऑलरेडी सही बंदों को मार डाला, मैंने नहीं मारा था, वो बंदे पहले ही पड़े हुए थे, एक्टिंग कर रहे थे ताकि मतलब फील आए कि सबको मैंने मार दिया। मैं अपने बंदों को थोड़ी मार सकता, वो तो सिर्फ एक्टिंग करने वाले बंदे थे। फिलहाल मेरे को पता चला मोंटी के बारे में, फिर वहां से मैंने आपको बताया मोंटी के बारे में, पता क्या मोंटी मैं पूछो पहले ही मर चुका था, वो प्लान में नहीं था, मोंटी हमारे सेटअप था। बाद में मैंने पूछा मेकर से, अबे यार इसको तो मैं मारता प्लान के हिसाब से, पहले क्यों मरा वो मिला मेरे को लैपटॉप के वहां पे। मेकर ने बोला मोंटी को इतना डर लग रहा था तेरे हाथों से पिटने को, उसने बोला प्लीज मैं मरने की एक्टिंग पहले ही कर लेता हूँ, मेरे को मरवा दो मेकर भाई। तो मेकर ने उसको पहले ही मरवा दिया, शहर वाला हमने फिर प्लान ऐड कर दिया, उसको डर लग रहा था मेरी पिटाई खाने को, इसलिए मोंटी मेरे को पहले ही वहां पे मरा हुआ मिला। फिर मैंने उसके लैपटॉप लिया, फिर वो प्लेन क्रैश वाली चीज आपको याद है, वो हमने कराया ताकि थोड़ा और फील आए कि भाई दूसरे बंदे बड़ा गुस्से में, जनरल नहीं मिला तो क्या होगा। फिर मैंने लैपटॉप अनलॉक करा, नहीं तो आज तक कभी लैपटॉप ऑन करके दिया है लेसर ने, रिकॉर्ड है कभी तक आज तक उससे कोई अनलॉक नहीं हुआ लैपटॉप, आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए था, वो अपना ही लैपटॉप था तभी उसने उसको अनलॉक किया, उसके अंदर की डिटेल्स बताई। फिर मैं बेस पे गया, वो मेरा ही बेस था, काफी टाइम पहले मैंने उसको कब्जा आगे रखा हुआ था, आपको याद होगा। वहां पे जनरल को छुड़ाया, उसकी दोस्ती को जीता और फिर अपने आप को इनोसेंट साबित करवा दिया स्पीच में, और बाकी आप जानते ही हो, गिफ्ट भी मिल गए, सारी चीजें मिल गई। मैंने उसको पहले ही बोला था पंगा मत ले ट्रेवर से, नहीं तो ट्रेवर ऐसा नंगा कर देगा, अपने प्लान में खुद ही फंस जाएगा। मैंने आपको बोला था ना मैं किसी को नहीं मारूंगा, ऐसे सिचुएशन बनाऊंगा ये खुद ही ट्रेवर से माफी मांगेंगे और खुद ही ट्रेवर को बोलेंगे ट्रेवर सर सो सॉरी आप बहुत अच्छे इंसान हो। कर दिया ना मैंने वही, किसी को मारा नहीं, किसी को टच नहीं करा, और सारी चीजें मेरे ही कदमों में आकर गिर गई। तो बताना वही आपको मेरी प्लानिंग कैसी लगी। ये तो वही वाला डायलॉग याद आ रहा है, फादर फादर सन सन, मतलब बाप बाप ही होता है भाई, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो जाए। तो फिलहाल ट्रेवर ने पूरा का पूरा काम कर दिया है, अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मिलिट्री कभी परेशान नहीं करेगी ना अपनी पुलिस परेशान करेगी, अब हम अपनी लाइफ पे फोकस कर सकते हैं, और ऊपर से जनरल का सपोर्ट भी हमारे पास है, बस उसको पता नहीं लगना चाहिए सारा काम मैंने किया, नहीं तो मेरे पीछे भाग लेगा। और भाई मेकर जितने भी सबूत बचे हुए हैं दो चार खत्म कर दे, कभी पता नहीं चलना चाहिए, समझ में आया ना। मेकर ने बहुत हेल्प करी भाई, सारा सेटअप इसने करा था हर एक जगह पे। ठीक है भाई बाद में मिलते हैं बाय। तो इसीलिए मैंने इसको बुलाया था, तभी आपको बोला था काफी जरूरी काम है घर पे जाना है, आपको सस्पेंस बताने थे। तो बस मेरे भाई ये फिलहाल इस वीडियो के साथ यार उतरूंगा, ये वीडियो कैसी लगी, सारे सस्पेंस कैसे लगे। अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसे सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं करा उसको फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।